सारे भाइयों को चाहते हैं जय माँ भवानी और जय छात्र धर्मा। तो भाइयों जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हो, तो भाइयों ये राजा पोरस के वंशज और कांगड़ा के टिक्का राजा अंबिकेश्वर सिंह कटोच जी की शादी की तस्वीरें हैं। तो भाइयों पिछले 2-3 दिन पहले इनकी शादी हुई है, जिसमें आप सभी देख सकते हो कि पूरे भारत के राजघरानों से लेकर सभी लोग पहुँचे, क्योंकि ये भारत के इतिहास की सबसे पुराने राजवंश है, जो महाभारत के टाइम से और अभी तक जीवित है, उस राजवंश की शादी थी। तो भाइयों आप सभी देख सकते हो इसमें जोधपुर के महाराजा भी पहुंचे। भाइयों हम आपको बताना चाहते हैं कि जोधपुर के महाराजा की जो बहन है टिक्का राज अंबिकेश्वर कटोच की दादी है। कांगड़ा और जोधपुर रॉयल फैमिली का आपस में बहुत ही गहरा संबंध भी है, क्योंकि जो इनकी दादी है वो जोधपुर से भी चुनाव जीतकर सामने आ चुकी हैं, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला से भी कई बार MLA जीतती रही हैं। तो भाइयों आप सभी देख सकते हो कि इस प्रोग्राम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, वो भी पहुँचे, और इसके अलावा उनकी जो शादी हुई है टिक्का राज अंबिकेश्वर कटोच की, वो हुई है उत्तर प्रदेश की रामपुर रियासत में रानी कमालक्षी सिंह, वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह की दोत्री हैं, राजा दिग्विजय सिंह उनके नाना हैं, और आप सभी देख सकते हो। इसके अलावा राजस्थान की अलवर कोटा और बहुत सारी रियासतों से क्षत्रिय राजघराने जहां पर पहुंचे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की रॉयल फैमिली से कुंवर आजाद शत्रु सिंह भी इस प्रोग्राम में पहुंचे। कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव जय माँ भवानी।